भाई देखो पीछे के लिए इधर से जाना था पीछे। हाँ उधर से उस साइड से देख लो यार एयरपोर्ट देख लो। हाँ जैसे आप आओगे ना यहाँ पे बाहर निकलोगे एयरपोर्ट से, कफिल को बताना है कि मैं इतने पिलर नंबर पे खड़ा हूँ। देख सकते हो 14 नंबर लिखा हुआ है पिलर पे। रात का टाइम है, रात का 1 बज रहा है। हमारे जो जमाल भाई हैं उनके कोई रिलेटिव आ रहे हैं हेल्थ से, हेल्थ। हम लोग का प्लानिंग बना हुआ था कि एयरपोर्ट जाना है, ठीक है, तो आप लोग आगे का रोड इन्जॉय करना, ठीक है ना, आगे का रोड आप लोग इन्जॉय करना बाकी। जावेद ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो रात का टाइम है, रात का 1 बज रहा है, ठीक है, मैं सो गया था। तो मुझे अभी हम लोग का प्लानिंग बना हुआ था कि एयरपोर्ट जाना है। हमारे जो जमाल भाई हैं उनके कोई रिलेटिव आ रहे हैं हेल्थ से, तो उनको जमाल भाई को उनको सामान देना कुछ अपने फैमिली के लिए, बच्चों लोगों के लिए। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि जावेद भाई रात में चलेंगे एयरपोर्ट, तो मैं सो गया था भाई यहाँ के, आप देख सकते हो। बट फिर भी फटाफट फटाफट तैयार हुआ, देख लो तैयार होकर खड़ा हूँ। सुबह में ड्यूटी भी भाई 6 बजे, बट क्या करें, जाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि अकेले तो जा नहीं सकते एयरपोर्ट, इनको अकेले तो मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। तो एक बात बोलूँ, रात की वीडियो मैंने अभी तक डाली नहीं है, सड़क की, रोड की जो वीडियो है रात की मैंने अभी तक डाली नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा खुद ड्राइविंग करता रहता हूँ। लेकिन आज मैं आराम करूँगा और आप लोग इंजॉय करोगे और मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ अच्छे से। तो आप लोग देखते रहना रात का, मैं रोड वगैरह बताता रहूँगा, कौन रोड कितनी की स्पीड है, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ मैं आपको शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आप बने रहिए आगे की वीडियो में और लाइक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है तो। थैंक यू। होटल पर रुके हुए थे शॉर्मा लेने के लिए, मतलब कि चिकन रोल, ठीक है ना, चिकन रोल। तो हम लोगों ने देखो पानी ले लिया है, ये इधर शॉर्मा भी ले लिया है, हम लोग खाते हुए जाएंगे। ये पैकेट पूरा 20 रियाल का है, इंडिया का, जोड़ लो 20 रियाल कितना हो गया। हेलो दोस्तों, तो ये रियाद का एयरपोर्ट का रोड है, देखो हम लोग बीच में चल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ना आप लोगों को, एक नंबर रोड, ये 1 नंबर रोड है, ये 2 नंबर रोड है। देखो ये ट्रक की लाइन किधर है, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से गाड़ी। देखो ये देखो नाजम की गाड़ी जा रही है, ये जो गाड़ी ना, गाड़ी नाजम एक्सीडेंट वाली जो होती है। देखो रोड, हम लोग बीच में चल रहे हैं, ये रोड देखो 100 लिखा हुआ है ना, देखो लिमिट, स्पीड लिमिट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी रोड सब देखो रात में। जो ये पीला लाइन लगा है ना, मतलब कि एग्जिट, अगर आपको निकलना है तो इस पीला लाइन के थ्रू आप निकल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो हम लोग जा रहे हैं अभी, बाकी जिसको जैसे जाना है जाओ, क्योंकि स्पीड लिमिट है यहाँ पे 100 की, तो 100 की स्पीड से कम ही रखना है गाड़ी को। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारा कैमरा आ जाएगा, ठीक है, जैसे मैं मोबाइल अभी पकड़ रखा हूँ ऐसे भी रहेगा तो भी कैमरा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये ऊपर में सड़क लेफ्ट राइट को निकलती रहती है, अलग अलग मोहल्ले गांव की तरफ, जैसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, ठीक है, छोटा मोटा अंडर पास। बाकी देखो हम लोग अभी बीच वाली लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को लाइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, आराम से एक लाइन में चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। जिसको फास्ट जाना होगा वो 1 नंबर रोड पर आएगा और अपना जाता रहेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिसको फास्ट जाना होगा, स्लो जाना होगा, है कि नहीं, तो बाकी देख लो। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग, मेरे घर से एयरपोर्ट 32 किलोमीटर पड़ता है, 32 किलोमीटर पड़ता है एयरपोर्ट, आधे घंटे लगते हैं जाने में, क्योंकि ये देखो बोर्ड है, इस बोर्ड में कैमरा लगा होता है, दिखाई नहीं देगा अभी आपको, रात का टाइम है। बाकी आप लोग बिल्डिंग का नज़ारा देखो। अब हम लोग यहाँ से राइट लेंगे क्योंकि एयरपोर्ट लाइन में जाना है। तो देखो अगर हमको राइट मोड़ना होता है तो पहले ही हम इंडिकेटर दे देंगे, ठीक है। देखो इंडिकेटर दे दिया भाई ने, पहले इंडिकेटर दे देंगे तो पीछे वालों को मालूम हो जाएगा कि ये बंदा मुड़ रहा है या कुछ भी है, ठीक है। बाकी देख सकते हो ये ऊपर जो देख रहे हो सामने में, ये मेट्रो का लाइन बन रहा है ऊपर, मेट्रो लाइन बन रहा है पूरा। अब ये सीधा मेन रोड में कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट एयरपोर्ट, अब ये वाला रोड सीधा एयरपोर्ट चला जाएगा सीधा,
सीधा सीधा एयरपोर्ट, तो इसमें कैमरा लगा हुआ है। ये जो रोड है ये 120 किलोमीटर की रोड है, ठीक है। इसमें आप 120 की स्पीड आप चला सकते हैं, आपको जिस पे चलाना है, इस पे एक नंबर पे चलाना है, दो नंबर पे चलाना है, तीन नंबर पे चलाना है तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपना लिमिट में रहना है, स्पीड चलाना कोई खराबी नहीं है लेकिन कंट्रोल करना खराबी है। अगर आपसे कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है। अभी हम लोग देखो तीन नंबर रोड पे है, उधर एक नंबर है, दो नंबर पे ये गाड़ी या जो गाड़ी है जा रही है वो, हम लोग तीन नंबर रोड पे, तीन नंबर लाइन में। बाकी दिन का नज़ारा ज़रा बेटर होता, बट रात में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई मौका नहीं मिलता ना यार। दिन में तो अलग ही रहता, लाइटिंग वगैरह की जरूरत नहीं रहती। बाकी अभी दिखा भी नहीं सकता मैं आपको कितने की लिमिट है, स्पीड है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इंजॉय करो, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है। आप भी अगर सऊदी रियाद में आएंगे तो आप भी इसी रास्ते से जाएंगे और आएंगे, यही रास्ता है एयरपोर्ट जाने का और आने का, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अभी, जब उधर से वापस आऊँगा तो उधर से भी मैं आपको दिखाते हुए आऊँगा, ठीक है। ये बोर्ड बना हुआ था, ये बोर्ड पे आपको हर जगह मिलेगा, हर एक किलोमीटर दो किलोमीटर पे ये जो है स्क्रीन लगी होती है, इसमें आपको वो बताता रहेगा, सीट बेल्ट लगा करके रखें, मोबाइल ना यूज़ करें, ये ना ये करें, मतलब आप लोगों को हर चीज़ बताता रहेगा। ये सामने बोर्ड है, जैसे अपने इंडिया में बोर्ड लगा होता है, ये रास्ता उधर गया है, ये रास्ता उधर गया है, ये रास्ता उधर गया है, तो अपना सीधा सीधा जाते रहेंगे। अपना ये रोड है सीधा एयरपोर्ट का। बाकी ये देखो ट्रक देख लो, एकदम कोने में चलेगी ट्रक, ट्रक का सड़क ही जो है, लाइन जो है एकदम कोने में है, एकदम लास्ट में, वो इस बीच में नहीं आ सकता ट्रक। अगर बीच में आ गया तो बेचारे का चलान हो जाएगा, सबसे महंगा चलान है उन लोगों का। बाकी भाई गाड़ी चला रहे हैं, ये देख लो जमाल भाई। ऐसा नहीं ये रोड खाली है, ये सिर्फ रात में खाली है, रात दोपहर में आएंगे तो ये पूरी भीड़ रहती है भाई, पूरा आपको तो एक नंबर दो नंबर चार नंबर क्या कोई भी लाइन खाली नहीं मिलेगा, एकदम लाइन में 80 की स्पीड 90 की स्पीड रहेगी आपकी, उससे ज्यादा आप नहीं चला सकते कि आपके आगे भी बहुत सारी गाड़ी रहेंगी। ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है रियाद का, रात का सीन बन गया तो रात का ही वीडियो आप मिलेगा आप लोगों को। बाकी ये चेक पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बना हुआ है चेक पोस्ट की तरह, जैसे हमारे यहाँ होता है ना चेक पोस्ट, उसी तरीके से यहाँ पे भी चेक पोस्ट की तरह बना हुआ, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है डिजाइनिंग। बाकी इधर पूरा लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, अभी तो कोई भी नहीं दिख रहा है, देख रहे रात हो गया, अंधेरा दिख रहा है पूरा। तो रात में 10-11 बजे हम लोग आते हैं ना इधर, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ट्रक की स्पीड जो है ना 80 की स्पीड है, ओनली 80, और हमारी लोगों की 120 की स्पीड होती है, बट हम लोग 120 पर नहीं चलाते, सऊदी लोग चलाते हैं, हम लोग तो 100 बहुत हो गया, 110 ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं चलाते। गाड़ी चलाना यहाँ पे इतना भारी है नहीं, अगर एक बार समझ में आ गया टेक्निकल पूरा अच्छे से तो आप फिर कोई भी भारी काम नहीं करता है। टर्निंग है, टर्न हो रहा है, सड़क देख लो, इस सड़क में आप सोचोगे कि ड्राइवर भी होगा, खलासी भी होगा, नहीं सिर्फ ड्राइवर होगा, ओनली ऑन ड्राइवर। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के, वो कंटेनर हो या ट्रक हो या कोई भी हो, वो खुद ही चलाएगा, बस में भी वो खुद ही चलाएगा, अकेला अकेला चलाएगा वो, उसको ही सब कुछ करना है, पंचर भी होगा तो खुद ही संभालेगा, कोई भी दिक्कत होगी तो खुद ही देखना है। मेट्रो की लाइन है ये, मेट्रो सीधा एयरपोर्ट में चला जाएगा। दोपहर में मैं आपको अच्छे से दिखा सकता था, बट अभी तो रात हो गया तो क्या कर सकते हैं, देख लो अच्छा फ्लाईओवर लग रहा है ऊपर से दिल्ली की तरह, है ना, देख लो। आप लोग भी इसी रोड से जाओगे भाई, आओगे भाई, जाओगे और आओगे, यही है रियाद, घूम लो रियाद मोबाइल के थ्रू, मेरे थ्रू घूम लो आप लोग। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो मेरी वीडियो देख करके घूम लो, जो लोग आना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो देख करके आप लोग सीख लो, समझ लो, जगह देख लो, कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ यही है, घूम लो अच्छे से। ये धीरे धीरे रोड जो है लाइनों में आ रही है, ठीक है, दिन में बड़ा खूबसूरत लगता भाई, ठीक है। कहीं से भी हम निकलेंगे ना अच्छा साइड से, सर्विस रोड से, तो सर्विस रोड से डायरेक्ट मेन रोड में मिल जाता, देख रहे हो सर्विस रोड था ये, डायरेक्ट आकर के ये फॉर्च्यूनर वाला मेन रोड में आके मिल गया,
देख सकते हो भाई चला रहे हैं कितनी की स्पीड में गाड़ी, देखो 110 पे गाड़ी चल रही है, ठीक है। नॉर्मल स्पीड लगता है यहाँ पे 100 का, जब आप पहली बार आओगे तो लगेगा कि अरे भाई कहाँ आ गए भाई, हवाई जहाज कितना स्पीड भी नहीं चल रहा हो जितना स्पीड यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन कुछ दिन लगेगा और गाड़ियाँ सब आपको लगेगी कि ये कौन कौन सी हाथी हाथी वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ दिन लगेगा बाद में जब आप इंडिया जाओगे ना तो आपको फॉर्चूनर इनोवा सब आपको छोटा बच्चा लगेगा। सही है। बाकी हम लोग एयरपोर्ट के आसपास में एंट्री कर गए हैं लगभग। आप एयरपोर्ट पे किसी को छोड़ने जा रहे हो या किसी को लेने जा रहे हो, अगर टाइम से पहले आप पहुंच गए हो, अगर आपका टाइम से पहले पहुंच गए हो, इंडिया तो है नहीं, आपको पता है ना दिल्ली में भी हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते अगर रिसीव करने जा रहे किसी को, इसके लिए हमको चालान भरना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है, फ्री पार्किंग, 5 मिनट लगता है पक्का एयरपोर्ट पर जाने पे। मैं दिखाऊंगा आपको, ये 80 की स्पीड है, अभी दोनों रोड मिल जाएगा यहाँ। बाकी देखो ये लोग गाड़ियाँ सब देख रहे हो, ये दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये लोग जो गाड़ी लगा के रुके हुए हैं ना, ये लोग टाइम से पहले पहुँच गए, किसी को रिसीव करने आ रहे हैं या जा रहे वाले, देख लो ये गाड़ी सब जो खड़ी है ना इसीलिए खड़ी है, तो इनको पता नहीं है। देखो लिखा है ना टेम्पररी फ्री पार्किंग, ये लिखा हुआ था। अगर ये अभी पुलिस अगर देख लेगा बल तो फाइन कर सकता है या उसको भगाएगा यहाँ पर से साइलेंट देख करके। ये रहा फ्री पार्किंग, जब आप आओगे तो इसके अंदर आप पहले से बोर्ड देख लेना, इसके अंदर आप जा सकते हैं, यहाँ से पर्ची लोगे। ये रहा फ्री पार्किंग डकिन डोनल्स, देख रहे हो गाड़ी सब लग। बाकी आप फिर दोबारा इस सर्विस रोड के थ्रू आप दोबारा से जा सकते हैं, ठीक है। फ्री पार्किंग है, अच्छा है, ठीक है। बाकी ये इस पे 110 की लिमिट है, इसमें भी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे भी कैमरा है। बाकी हम सीधा सीधा जाएंगे तो टर्मिनल 1, 2, 3, 4, 5 पहुँच जाएंगे, लेकिन 5 टर्मिनल पहले आ जाएगा, डोमेस्टिक 5 है ना, डोमेस्टिक जो है जैसे हमारे दिल्ली में टर्मिनल 1 डोमेस्टिक हो जाता है और टर्मिनल 3 इंटरनेशनल, तो इस तरीके से रियाद में जो है टर्मिनल 5 डोमेस्टिक हो जाता है, तो टर्मिनल 5 पहले आ जाएगा। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर से, 3-4 किलोमीटर है एयरपोर्ट, ये टर्मिनल 5 की तरफ है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है, देखो लिखा हुआ बोर्ड में, और हम लोग सीधा जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा टर्मिनल। तो पैर का सीन होता था, मैं दिखाता आपको कि फ्लाई ओवर के ऊपर से प्लेन कैसे क्रॉस करता है, एक नंबर लगता है भाई, एक नंबर। मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये फोटो देख रहे हो यहाँ पे, नीचे रोड है ऊपर से फ्लाइट, हाँ ये देख रहे हो आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो है ये वाला, ये सीन में अगर दोपहर में आता, अगर दोपहर में दिखा सकता तो मैं दिखा देता आपको, लेकिन दोस्तों देख लो मैंने क्लिप निकाल करके आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो देखो कितना प्यारा नज़ारा है, ये नीचे में रोड गया हुआ है, ठीक है, मेन रोड है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत। फ्लाइट सब जा रही है, फ्लाई ओवर बना हुआ है ताकि नीचे से सड़क जा सके कहीं भी। ये शाम के टाइम का वीडियो है, ठीक है, तो मैंने कॉपी करके कहीं से ला आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। तो देख लो जैसे मैंने बताया कि ये नीचे रोड रहता है और ऊपर फ्लाइट जाती रहती है, देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना, ठीक है। देख लो आप लोग लिखा है 1, 2, 3, 4 टर्मिनल है ना, तो हम लोग अब बस एंट्री कर गए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। बाकी बहुत अच्छा लगता है भाई जब वो फ्लाई ओवर की तरफ से क्रॉस करता है ना, तो बहुत मजा आता है। मैं 2-3 बार ही आया हूँ तो देखा हूँ मैं, बट रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला भाई क्योंकि कफिल साथ में था यार। हाँ ये देखो ये ऊपर यहाँ से अभी हम लोग, अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक बात दिखाता हूँ, जाओ लोग डिपार्चर जाने का अलग है, अराइवल जाने का अलग है, तो मिस्टेक ना हो जाए। देखो जब हम किसी को छोड़ने जाएंगे, नीचे 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 रिसीव करना है ना या मिलना है, तो ऊपर में ही होंगे वो, तो ऊपर में जाएंगे। हाँ 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 अभी जाएंगे जाएंगे डिपार्चर, हम लोग को डिपार्चर पे जाना है ना, थोड़ा देर के लिए भी वो हो गया। हाँ नहीं तो मैं वैसे ही बोला था, देखो ये डिपार्चर है, हम लोग किसी को छोड़ने आएंगे। देखो प्लेन देख लो, देख लो फ्लाइट देख लो, ये देखो फ्लाइट लगी है भाई, पूरी सऊदी की फ्लाइट सब लगी है, सऊदी अरबियन एयरलाइंस। दोपहर का नज़ारा कुछ और होता भाई,
देख लो एयरपोर्ट सब मेट्रो का काम चल रहा है, इसलिए मैं इसे जो ना ऐसा बना, वरना है बड़ा खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, अगर आप बे पार्किंग हो, ज़्यादा देर से खड़े हो तो आपको वो रोक देगा। तो देख सकते हो ये टर्मिनल 2 है, कौन सा है, अच्छा ये 1 है। कार हम लोग अभी कार पार्किंग में जाएंगे, ठीक है, हम लोग कार पार्किंग में, अभी कार जो है पार्किंग में लगा करके तो आएंगे। तो कार इंटरनल रास्ता, स्पीड लिमिट है, ये अंडरग्राउंड पार्किंग है, फ्री है, नहीं नहीं 1 रियाल लगेगा, 3 रियाल, 3 रियाल, 3 रियाल लगता है यहाँ पे पार्किंग का, 1 घंटे का 3 रियाल चार्ज है, ठीक है। तो ये भाई अभी यहाँ पे से पर्ची लेंगे बटन दबा करके, इस वाले मशीन में से, ये जो है खड़ा हुआ आदमी, ये देख लो इसमें से पर्ची निकलेगा, जैसे दिल्ली में है ना वैसे ही टाइम, सेम टू सेम इसमें टाइम टेबल लिखा है पूरा। ये पूरी बेसमेंट पार्किंग है भाई लोग, 220 भाई लाइन के अंदर पार्किंग करना है, बहुत जबरदस्त होनी चाहिए पार्किंग, अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो आपके लग गए, देख रहे हो लाइन, अगर आपने सही से पार्किंग नहीं किया, अगर आपने देख रहे हो इस लाइन के अंदर में आपको पार्किंग करना है, अगर आपने सही से पार्किंग नहीं किया तो आपको फाइन आ जाएगा, देख रहे हो लाइन के अंदर पार्किंग करनी है आपको, ठीक है भाई की एक्सपीडिशन है, बाकी चलते हैं आगे तो फिर मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं भाई, सामान वामान लेकर रखे हैं सब लोग, ये जमाल भाई देखो पीछे ये होटल है पूरा, पूछिए ना फोन करके, अच्छा देखो एलिवेटर है, इस पर खड़े हो जाओ ये चलता रहेगा, सब लोग बैठे हैं, बाकी देख लो। हम लोग टर्मिनल 1 पे हैं अभी, टर्मिनल 2 पे जाना होगा हम लोगों को, अब कुछ लोग यहाँ से जाने वाले हैं, या कुछ छुट्टी से आए हैं, या कुछ जा रहे हैं, एलिवेटर ख़त्म हो गया है, बाकी यहाँ पर टीवी वगैरह स्क्रीन लगा हुआ है, कौन सी फ्लाइट जा रही है, कौन सी फ्लाइट आ रही है, कितने बजे फ्लाइट है, क्या है, अच्छा यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक मशीन है, बिना आदमी की रोबोट मशीन, पैसे डालो और अपने सामान निकाल लो खाने पीने का। देखो टर्मिनल 2 पे हम लोग, देख लो याद एयरपोर्ट देख लो, हाँ जैसे आप आओगे ना यहाँ पे, बाहर निकलोगे एयरपोर्ट से, बाहर निकलने के बाद ना आपको एयरपोर्ट पे पिलर नंबर लिखा होगा, पिलर नंबर दिखाऊं, पिलर नंबर दिखाता हूँ, तो आपको बस कफिल को बताना है कि मैं इतने पिलर नंबर पे खड़ा हूँ, देख सकते हो 14 नंबर लिखा हुआ है पिलर पे, ठीक है, ये वेटिंग स्टेशन है, इसमें वेटिंग कर सकते हैं हम लोग, टाइम से पहले पहुँच गए यहाँ पे आकर के, तो ठीक है वेटिंग रूम है ये। तो भाइयों हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, और ये भाई साहब जाने वाले हैं, ठीक है, सुबह के 9 बजे फ्लाइट है इनकी, सुबह के 9 बजे फ्लाइट है इनकी, और शाम को 4 बजे उतर जाएंगे, हम लोगों ने सामान वगैरह तो दे दिया है, अब कुछ देर में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ पर से, देख सकते हो आप ये भाई साहब हैं जो जाएंगे घर, एयरपोर्ट पर टाइम जल्दी पास हो जाता है, एयरपोर्ट पर टाइम जल्दी पास हो जाता है ना जी, हर जाने वाले को भूख थोड़ी लगती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब बोर्डिंग वोडिंग हो जाता है, गेट पे जब बैठ जाते हैं तब लगता है कि अरे यार कुछ मिल जाता
जाने वाले लोग खुश रहते हैं, है? छोड़ने वाले लोग दुखी रहते हैं। देखो ये भाई, ये भी भाई जा रहे हैं लखनऊ जा रहे हैं, ठीक है, सब भाई लोग भी वेटिंग कर रहे हैं। हेल से ये लोग जल्दी आ गए हैं, इनकी फ्लाइट जल्दी आ गई है, अब यहाँ पे वेटिंग करेंगे 9 बजे तक, ठीक है। तो भाई ये लोग घर जा रहे हैं, हम कब घर जाएंगे यार। हेलो बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, तो हम लोग अब एग्जिट हो रहे हैं, देख रहे हो एग्जिट लिखा है, एग्जिट। हम लोगों ने उन लोगों को छोड़ दिया है, अपना चले जाएंगे। हाँ भाई, तो ड्यूटी पे भी जाना है हम लोगों को। तो दोस्तों देखो, इनको पार्किंग का चार्ज देंगे, 2 घंटा हो गया, 6 रियाल देंगे। तो दोस्तों हम लोग एग्जिट हो गए, अब निकल गए पार्किंग से, बाहर निकल गए। थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को रास्ते में। दोस्तों मैं जो वो सीन बोल रहा था कि दोपहर में दिखाता आपको, वो सीन ये है, लेकिन रात में है ये, रात का मजा नहीं आ रहा है, देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये सामने वाला जो देख रहे हो आप, आवाज चल रहा है, ये सामने वाला देख रहे हो, ये फ्लाइट लाइन। दोस्तों मैं जो वो सीन बोल रहा था कि दोपहर में दिखाता आपको, वो सीन ये है, लेकिन रात में है ये, रात का मजा नहीं आ रहा है, देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये सामने वाला जो देख रहे हो आप, आवाज चल रहा है, ये सामने वाला देख रहे हो, ये फ्लाइट लाइन। तो ठीक है दोस्तों, अब आप लोग अच्छे से इंजॉय करो वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब हम लोग बस घर पहुंचने ही वाले हैं। बाय बाय, गुड नाइट, बाय लोग, एंड इंडिया वाले गुड मॉर्निंग।